अपने अपने सेक्टर में हम बेहतर कैसे कर सके। आप अपने मिशन की पत्रिका अगर कभी अखंड ज्योति पढ़ते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें आता है, आप देखेंगे गुरुवर की अमृत बाणी। गुरुवर की अमृत बाणी में गुरुवर लिखते हैं कि बेटा आने वाले समय में लोग इतने हताश और निराश होंगे जिनको कुछ समझ में नहीं आएगा। सब लोग अपने आप में व्यस्त रहेंगे, अपने कार्यों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन उसमें भी डिप्रेशन में रहेंगे। फिर लोगों ने पूछा तो आखिर गुरुवर उस समय में ये लोग ठीक कैसे होंगे, अपने आप को ठीक कैसे करेंगे। लिखते हैं कि जो सूर्य की साधना करेगा उसका दैनिक जीवन हमेशा बेहतर रहेगा। लोग बोले कि सूर्य की साधना से नहीं समझे, हमारे यहां बहुत सारे मंत्र है, गुरुवर एक ऐसा मंत्र दीजिए जिससे हमारे जिंदगी आसानी से सरलतापूर्वक कटता जाए। गुरुवर उदाहरण देते हैं कि जिंदगी को सरलतापूर्वक अगर काटना चाहते हो तो समझो कि तुम आलसता को नजदीक बुलाने का प्रयास कर रहे हो। हर इंसान चाहता है एक छोटी चींटी से लेके और बड़ा हाथी तक कि मैं अपने कार्यों में व्यस्त रहूं, और तुम जिंदगी को आसानी से काटना चाहते हो। तुम ये कहो कि अपनी जिंदगी के व्यस्ततम जीवन में सफलतापूर्वक जिंदगी काटने का सूत्र बताइए तो मैं बताऊंगा। बोले कि हां गुरुवर बताइए। बोले कि चार धुरी है, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। जिस व्यक्ति के पास ये चारों चीज होगा वो जिंदगी में चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। आज की युवा पीढ़ी के पास साधना के नाम पर जो अपनी पढ़ाई के लिए पटना में आते हैं उनकी साधना सधी नहीं है। किसी दिन बेचारे 6 बजे उठते हैं तो किसी दिन उसको मेकअप करने के लिए 9 बजा देते हैं तो किसी दिन 10-11 बजे तक जगते हैं। आप कहते हो साधना का मंदिर मतलब मंदिर में जाकर और बैठकर पीला वस्त्र में माला जपना। गुरुवर लिखते हैं नहीं बेटा, जिंदगी में जिस कार्य को करो उसको साध लो, इसी की नाम साधना है। जैसे एक किसान अपनी साधना करता है, सुबह 5 बजे सुबह जग कर अपने खेत में जाकर कुदाल चलाता है, एक ऋषि महर्षि जो ब्रह्म बेला में जग कर अपनी कुटिया में ध्यान करता है, एक संगीत का अगर साधक है तो वो ब्रह्म बेला में उठकर अपनी संगीत के लय सुर ताल की साधना करता है, वैसे ही विद्यार्थी की साधना सुबह में जग कर वो अगर अपनी स्टडी टेबल पर तन्मयता पूर्वक दिल लगाकर पढ़ता है तो उसकी सबसे बड़ी साधना है। फिर गुरुवर आगे लिखते हैं कि विनम्र पुरुषार्थ बेटा सबसे बड़ी प्रार्थना है। दुनिया में अगर चाहते हो प्रार्थना करूं प्रार्थना करूं प्रार्थना करूं तो तुम इस बात को नोट कर लो कि विनम्र पुरुषार्थ सबसे बड़ी प्रार्थना है। विनम्र बनो और कठिन मेहनत करो, दुनिया में कोई तुम्हें पीछे नहीं जाने देगा, आगे बढ़ते जाओगे और उस जगह इस प्राकृतिक के कॉस्मोस से एक ऐसी एनर्जी तुम्हें मिलेगी जो हमेशा प्रोत्साहित करते हुए आगे लेकर जाएगी। 1980-86 के करीब गुरुवर एक बार अपने प्रवचन हॉल में प्रवचन दे रहे थे, बहुत सारे भीड़ बैठे हुए थे, सब लोग सोचा कि आज गुरुवर कुछ ऐसा बात बताते जिससे हमारी आत्मसंतुष्टि होती। आए दिन इस बातों को बताया जाता है कि आत्मसंतुष्टि की परिभाषा क्या होती है। एक विद्यार्थी अगर 2 लाइन पढ़ लेता है उतना ही में आत्मसंतुष्ट हो जाता है। एक रिक्शा चालक को अगर शाम के समय में प्लास्टिक वाली पाउच मिल जाती है वो पी के आत्मसंतुष्ट है। तो एक शिक्षक अगर दिन भर में छोटे लेवल का है 3,000 रुपया आ जाता है तो आत्मसंतुष्ट है। तो कोई कोई 30,000 रुपया लेकर आत्मसंतुष्ट है। तो 200 करोड़ की मालकिन सुनंदा उतना धन पाने के भी बाद भी असंतुष्ट है तो इस संतुष्टि की परिभाषा क्या है। गुरुवर कहते हैं बेटा एक बार अपने दिल में इस मनोभाव को विकसित कर लो कि तुम किस नाव पे चढ़े हो। नाव चाहे पुराना है या नया है इस नाव की बनावट पे मत जाना। लोग पूछा गुरुवर नाव पुराना हो अगर पानी की धार में जाएगा तो वो तो मुझे डुबा देगा, नई नाव पे चढ़ना बेहतर है। एक व्यक्ति को उदाहरण देते हुए बताते हैं कि किनारे पर लगे नदी के 2 नाव थे,
एक नाव अच्छा नया था लेकिन नाविक उसका अनाड़ी था, एक नाव पुराना था लेकिन उसका नाविक समझदार था। जितने लोग आते थे नए नाव को देखकर और नाव पर चढ़ जाया करते थे, जैसे ही नाव पर चढ़ते थे नई वाली नाव भर गई, पुरानी वाली नाव पर कुछ कम लोग रहे, दोनों नाव उस पार जाने के लिए तैयार हुआ। नए नाव का नाविक अनाड़ी जो था जैसे ही बीच मझधार में पहुंचा नाव हिलोड़ा लेने लगी, हिलोड़ा लेते लेते नाव अनबैलेंस हुई और नाविक समेत सब लोग डूब के मर गए। और जो पुरानी नाव थी जैसे ही वो हिलोड़ा लेने लगी, समझदार नाविक था, दिशा को चेंज किया और धीरे धीरे करते हुए उस पार पहुंचा दिया। गुरुवर बोले, आने वाले समय में जिस चौकाचौंध की दुनिया में तुम कदम रखोगे इसी तरह के दो नाव तुम्हें जिंदगी में मिलेंगे, एक जो सत्कर्म करता हुआ आगे बढ़ाएगा, एक दिखने में चकचक रहेगा, दिखने में लगेगा कि बहुत खूबसूरत है लेकिन उसका नाविक अनाड़ी होगा और तुझे बीच मझधार में डुबा देगा। और इसी दो नाविक के रूप में एक तुम्हारे साथी होंगे जो अच्छे कर्म को करके पुरानी नाव में पुराने विचारे में बैठाएंगे। पुरानी नाव मतलब वो कहेंगे तुम साधना करो, स्वाध्याय करो, संयम करो, सेवा करो। आप कहोगे ये तो पुरानी नाव है, ये तो हमारे दादाजी कहा करते थे, नया वाला बताओ। नया वाला कहेगा पॉर्न साइट से फिल्म देखो, अश्लील गानों को मोबाइल में डालकर, अभी होली का समय आ रहा है, फुहारपन की सारी हदें पार होगी। वो नई नाव, लड़का दौड़ के जाता है और नई नाव में सवार हो जाता है। मेरे मित्र, आने वाले समय में उस नई नाव की सवारी तो कर रहे हो, 2 से 3 साल में जब बीच बंजधार में आपकी नाव जाएगी वहां खोजोगे कि मेरा नाविक मुझे बचा ले, बचाने वाला कोई नहीं होगा, वहीं पे तुम उलट कर अपनी कैरियर को समाप्त कर दोगे। लेकिन इस पुरानी नाव में जो आचार्य श्री की नाव है, जहां साधना स्वाध्याय संयम सेवा को लेकर अगर तुम चलते हो, बीच मझधार में जाकर एक बार आंख ऊपर करोगे, एक बार गुहार करोगे, एक बार प्रार्थना करोगे, आचार्य श्री की वो तप की शक्ति और आपकी पुरुषार्थ का ताकत आए तो हो किसी के संतान के रूप में साधारण तरीके से लौटोगे पदाधिकारी बन के। ये है पुराने नाव और इनकी नाविक जो अदृश्य सत्ता है, जिसको देखने और जिसको समझने के लिए आपको एक सहारा लेना पड़ता है, जिसका नाम है मेडिटेशन। आप बहुत सारी कहानियों को पढ़े होंगे, पार्वती जी एक बार शिव जी से पूछती है एक चीज बताइए, आप बने को बनाते हैं, उजड़े को उजारते हैं। पार्वती जी के पूछे जाने पर शिव जी कहते हैं ऐसा नहीं है देवी, मैं कर्म फल के सिद्धांत पर विश्वास करता हूं, जो जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप उसका फल देता हूं। देवी बोली कि मुझे नहीं ऐसा विश्वास हो रहा है। शिव जी बोलते हैं इस बातों को मैं प्रूफ करके तुम्हारे सामने रखूंगा और तुम कहोगी कि नहीं सत्य है यह चीज। पार्वती बोली प्रूफ करना है आपको, अगर प्रूफ करना ही है तो जल्दी करके बताइए। पार्वती जी और शिव जी दोनों एक साथ कहीं बाहर निकलने लगे। बाहर निकलते समय शिव जी बसहा पर बैठ के अपना जा रहे थे।